शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे भी भूख नहीं है और ऐसे में तो मुझसे खाया भी नहीं जाएगा। मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ। वैसे श्रद्धा जब कुछ ठान लेती है तो उसे कर कर ही मानती है। हमें पूरा भरोसा है श्रद्धा पर कि कल वो अभय को किसी भी तरह घर वापस ले आएगी। चलिए खाना खा लेते हैं। तनुजा भाभी, खा लो तनुजा। अबे उधर किसने सोने नहीं देना, इधर सब मच्छर। इसीलिए बोला था ना कुछ खा लो, खाली पेट नींद नहीं आती है। और कब तक ऐसे मच्छरों के साथ बतियाते रहोगे हैं? सो जा। कोई ऐसा होगा जिसे उन पैसों की बहुत जरूरत होगी, उसी ने इतने पैसे लिए होंगे। इतना तो पक्का है कि बत्ती जाने से पहले पैसे वहीं थे, किसी अपने नई बत्ती जाने का फायदा उठा के पैसे चुरा लिए। पर कौन कौन ऐसा जो मुझे जेल जाता देख सकता है? बेचारी श्रद्धा भी अकेली पड़ गई होगी, कैसी होगी वो? श्रद्धा को छोड़ दीजिए और मुझे ले जाइए, क्योंकि श्रद्धा ने पैसों की सारी जिम्मेदारी मुझे दी थी। जिस बैग में से पैसे मिले वो बैग भी मेरा है सर। चाहे कुछ भी हो जाए अब है, मैं उस इंसान की सच्चाई सामने ला कर रहूंगी, चाहे वो इस घर का ही सदस्य क्यों ना हो। मैं उसकी सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगी। आपको घर वापस मैं लाऊंगी अब है। घर पे फोन करना, दो मिनट लगेंगे सर, प्लीज सर एक फोन करने दीजिए ना सर। हम अपराधियों को ऐसे फोन पर बात करने नहीं देते हैं, बैठ अंदर चुपचाप। सर मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है सर, सर मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बीवी की जान खतरे में है। सर दो मिनट लगेंगे सर, प्लीज एक फोन करने दीजिए सर। तुझे हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है क्या? बोला ना बैठ चुपचाप। सर प्लीज करने दीजिए ना सर। सर भाई
भाई श्रद्धा ठीक है ना भाई? इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं 5 मिनट के लिए अपने भाई से बात कर सकता हूँ? प्लीज, बहुत जरूरी बात है, सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट, उसके ऊपर 1 सेकंड भी नहीं, ठीक है? जी जी, थैंक यू भाई। भाई भाई श्रद्धा कैसी है भाई? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बताना श्रद्धा कैसी है। वो बोलना भाई, वो श्रद्धा रात से मिल नहीं रही। क्या मिल नहीं रही? कैसे, कहाँ गई, क्या बोल क्या रहा है यार? पता नहीं हमारी दीदू किस हाल में होंगी। बस आपकी वजह से रात भर दीदू गायब है। तनुजा, आपको इतना नहीं सुनाना चाहिए था श्रद्धा को। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ किस हाल में होंगी। अरे भाभी, आप हमें बता रही हैं, क्योंकि बात आपके बेटे की नहीं है। अरे हम कितना घबराए हुए हैं, हमारा पूरा परिवार बिखर रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। वैसे नैना भाभी कुछ गलत भी नहीं कह रही है तनुजा भाभी। हमारा मतलब है, देखिए भगवान ना करे श्रद्धा को कुछ हो गया तो हम सक्षम जी को क्या जवाब देंगे। किसी ने उसके मायके फोन किया? सक्षम जी से बात हुई हमारी, श्रद्धा तो वहां पर भी नहीं है। पहले तो हमें लगा था कि पैसे अभय ने रख लिए, पर पैसे सच में चोरी हुए। हमें ना दीदू के लिए बहुत डर लग रहा है। एक मिनट, क्या कहा तुमने, पैसे चोरी हुए? नहीं ना, पैसे तो घर पर ही थे जो मिल नहीं रहे थे, जो पुलिस ने ढूंढ निकाले, तो चोरी कैसे हो गए? आप सबको दीदू ने बताया नहीं क्या, जो पैसे अभय के बैग से मिले वो तो उसके दोस्त ने दिए थे। ऑफिस के 10 लाख रुपए सच में चोरी हुए। हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चोर अपने आप को बचाने के लिए दीदू के साथ कहीं कुछ। श्रद्धा को कुछ नहीं होगा, हम है ना बेटा, हम श्रद्धा को ढूंढ निकालेंगे। आइए भाई साहब, आओ। कुछ नहीं होगा बेटा। अगर हमारी दीदू को कुछ भी हुआ ना, तो हम सच बता रहे, अगर हमारी दीदू के साथ कुछ भी हुआ ना, तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम्हारा तो अलग ही नाटक चल रहा है। अरे होश में तो हो, क्या बोले जा रही हो तुम? हम ना पूरे होश में, और एक बात सुन लीजिए, अगर हमारी दीदू को कुछ भी हुआ ना, तो हम पूरे त्रिपाठी खानदान का तमाशा बना देंगे अपने टॉक टॉक पे। पता नहीं हमारी दीदू कहाँ होंगी, कैसे होंगी। सब ठीक कैसे हो जाएगा भाई, ये हुआ कैसे? श्रद्धा रात से घर नहीं है, ये पता नहीं उसकी क्या हालत है यार। श्रद्धा को अगर खरोच भी आई ना, पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा मैं। अबे देख, तू शांत हो जा, हम सब उसे ही ढूंढ रहे। बल्कि बुआ जी ने सुबह बताया कि वो कल रात से अपने कमरे में नहीं, और उसका फोन भी उसके कमरे में ही पड़ा हुआ। हम उसे ही ढूंढ रहे, तू शांत हो जा। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है, एक डंडा पड़ेगा तो सब ठीक हो जाएगा। तू शांत हो जा मेरे भाई, तू बस शांत हो जा। भाई यार, मैं हाथ में हाथ रखे नहीं बैठ सकता हूँ यार, मुझे श्रद्धा को ढूंढने जाना है। देख अबे, तू शांत हो जा, तू चिंता मत कर, हम लोग ढूंढ लेंगे उसे। श्रद्धा को अगर कुछ हो गया ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा यार। भाई मेरे को बाहर निकालना है यहाँ से। भाई खुलवा ना इसको। अबे क्या कर रहा पागल, पर छोड़। पक्षपात, पकड़ो उसको, उसका दिमाग खराब हो गया है। क्या कर रहा है तू? अबे मत कर ये सब। अबे मेरी बीवी की जान खतरे में, जाने दो मुझे। बंद कर, ऐसा करके तू श्रद्धा को अपने से और दूर कर रहा है। बस तू शांत हो जा, श्रद्धा को हम ढूंढ के निकालेंगे। तू जा, तू जा मेरे भाई, मत कर ये सब।
किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।